हम समर कैंप में नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में जो डिब्बे होते हैं पुराने डिब्बे, उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप अपने घर में उन डब्बों को, मतलब उन पे प्लांट लगाकर उनको सुंदर से घर में सजा सकते हो। देखो, अब मैंने ये पुराना डिब्बा लिया है, इसको मैंने काट दिया है। आप ये काम अकेले मत करिए, आप ये अपने मम्मी पापा के साथ करिए, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, आप ऐसे इसकी कटिंग नहीं कर सकोगे। अब देखो, ये मैंने गुलाब की कलम ली है, गुलाब की कलम ली है, ठीक है, ये आपके उधर इजीली मिल जाएंगे। अब हम इसे किस पॉट में लगाएंगे, इसमें मैंने मिट्टी भरी हुई है, इसको कम से कम हम इतना गहरा करना है कि ये इतने तक डूबे, ठीक है, इतने तक इसके अंदर इसे डालना है और इसे मिट्टी से ढक देना है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये गोबर की खाद पहले से हमने स्टोर करके रखी हुई थी, ये थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। आपके यहाँ गोबर भी बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इस प्लांट के चारों ओर डाल देंगे ताकि इसे खाद भी मिल जाएगी, ठीक है। देखो, ये प्लांट हमारा लग गया है। अब इसमें कल से हम इसमें पानी डालेंगे रोज, और आपको अपने प्लांट का नाम भी लिखना है, ठीक है। आप अपने प्लांट को प्यार से कुछ नाम देना चाहते हो तो आप अपने प्लांट को कुछ नाम भी दे सकते हो। देखो, इस प्रकार से हमने देखो कितने सारे प्लांट बनाए हैं वेस्ट चीज़ों से, जैसे ये कोल्ड, ये पानी की बॉटलें हैं, इसके अंदर भी मिट्टी भर के प्लांट्स बनाए हैं। आप भी ऐसे बना सकते हो। देखो, ये कॉफ़ी मग है जो टूट गया था, इसके अंदर भी मिट्टी भर के आप प्लांट्स लगा सकते हो। और देखो, इस साइड आपके घर में अचार, घी के डब्बे, पुराने डब्बे होंगे, उसको आप कटिंग करके इस तरीके से मिट्टी भर के भी उसमें प्लांट लगा सकते हो। अब देखो, इस तरीके से आप अपना घर सजा सकते हो, नेचुरल प्लांट्स है। देखो देखो, ये सारे वेस्ट मटेरियल है, सब ये वेस्ट डिब्बे हैं। इस तरीके से आप देखो, ये टूट गया था, ये इसमें भी साइड से मिट्टी भर के इसमें प्लांट लगाया गया है। अब आपको भी ऐसे प्लांट की ऐसे प्लांट लगा के अपना वीडियो शेयर करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू। बच्चों, मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ। मैंने आपको बोला था जैसे आप प्लांट लगा दोगे, पानी आपको उसी कंडीशन में डालना है अगर आपकी मिट्टी सूखी है। देखो, मेरी मिट्टी जो मैंने मिट्टी इस डब्बे में भरी है, इसमें काफ़ी नमी है, इसलिए मैंने आज इसमें पानी नहीं डाला है। अगर आपको लगता है जहाँ से आपने पॉट पे मिट्टी भरी है, अगर आपकी मिट्टी काफ़ी सूखी होती है, तो आप पौधा लगाने के बाद पानी उसमें ज़रूर डालें, ठीक है, ओके।